टाइम लगेगा अभी तो थोड़ा। है मेंढक की मेंढक है जाने क्या चमका दे रहे हैं ना पैर हैं इसके चमका दे रहे हैं मेंढक ये पंजे लग नहीं रहे चमगादड़ पकड़ी है ना ऊपर कौन लिया इनका ऊपर कौन किया है अरे कहीं नहीं जाएगा बैठे तो है इतनी जल्दी नहीं पकेगा अभी गर्दन में खाना है गर्दन से पेट तक ले जाएगा भगता नहीं है साहब क्या स्पीड में भगता नहीं है जब तो बहुत स्पीड भगता है जब बस खाई लिया उसने गर्दन में जा रही धीरे धीरे गर्दन में जाएगा सही भगेगा एकदम नहीं इतने धीरे नहीं भगेगा ओस बहुत गिर रही है ओस बहुत गिर रही है ठंडी वेस्टिक बहुत क्या नाम है इसका कॉमन क्रैक कॉमन क्रैक कॉमन क्रैक कॉमन क्रैक कोबरा नहीं है कोबरा से भी ज्यादा जहरीला अच्छा किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरीला कितना टाइम लेता है टाइम डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर वैसे नॉर्मल भी कितना लेता है अब रिएक्शन के ऊपर है क्यों तो आधे घंटे में रिएक्शन दे दे एकदम जहर कहो तो कि वो कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे बाद में रिएक्शन दे जी होता है क्या सुबह हो जाए हां होता ही है अब जैसे रात में काटता है इतनी ये साहब सोते में सोते में काटता है हां सोते में अगर काट लिया उसने तो इसके क्या जहर के दांत छोटे होते हैं तो पता ही नहीं लगता ऐसा लगता है कि मच्छर अच्छर खा गया और खो जाके सो जाते आराम से बाद में जो 2-2.5 घंटे के बाद या 1-1.5 घंटे के बाद शरीर में वो पेट में ऐठन होती है तब फिर वह धीरे धीरे गला सूखने लगता है तब समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सांप जैसे काटते कोबरा वाइपर हो इनके काटने का क्या जहर और दर्द होगी जलन होगी तो पता लग जाएगा कि सांप ने काटा है बेहोशी बनाने लगेगी इसके काटने में जैसे क्या होता है इसके काटने पर आते हैं लक्षण जो कि बाद में जब तब जब तब आते जब जहर पूरा चढ़ जाए और तब तक तो शरीर अपना काम कर डॉक्टर को नहीं करवा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है समय से तब आप भले ही आपको जब जब महसूस हो कि सांप ने काट लिया बिना समय गवाए तत्काल हॉस्पिटल जाओ हॉस्पिटल ये इलाज है इसके इसके काटने का झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए तो समय बर्बाद होता है और मौत होती है उसके और यही डॉक्टर बचा लेगा हाँ डॉक्टर के पास एंटीवेनम रहते हैं दवाइयाँ रहती हैं डॉक्टर को मालूम तो पड़ गई वाला सांप वो सब समझ जाते उनके पास सब विधि है डॉक्टर अगर डॉक्टर है तो उसी चीज़ का डॉक्टर है